चर प्रवाह पाविस्तरे घरे वलम्ब्य लंबिताम्बुजम्बुकपालिकाम्रमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आपने अक्सर देखा होगा शिवलिंग के हमें अक्सर अनेकों रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन आज एक और अनोखा रूप हमें देखने को मिला। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो सेवा करता है पंडित जी। नमस्कार जी, हर हर महादेव। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा और फिर इस जो शिवलिंग के रूप के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जय श्री राम। मैं पंडित दिनेश शर्मा, श्री राम मंदिर पचकुया आश्रम इंदौर, द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर महादेव की सेवा में हूँ। ये जो हमारे भगवान मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदन ही, सभी पीड़ाओं को हरने वाले भगवान महादेव हैं का द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर महादेव नाम है इनका। यहाँ की विशेषता ये है कि एक तो एक ही शिवलिंग के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग तो ही हैं, उसके बाद में कहीं से भी आप एंगल से दर्शन करेंगे तो आपको 5 शिवलिंग के दर्शन होते हैं, है ना। 5 शिवलिंग बने हुए हैं, इस 5 शिवलिंग के दर्शन होते हैं, कहीं से दिशाओं देख लें आप। और फिर इसमें इस शिवलिंग के अंदर 52 ओम बने हुए हैं, 52 ओम बने हुए, 6 नाग बने हुए हैं, जो पूरा नाग परिवार है इसमें, और ये बहुत प्राचीन है। जो भी यहाँ पे अर्जी लगाता है उसकी भगवान विश्वेश्वर महादेव अवश्य अर्जी पूर्ण करता है। बहुत सिद्ध प्राचीन स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी बताने के लिए। I don't know.